त्योहारों में सिर्फ मिठाइयों का ही तो नहीं, नमकीन चीज़ों का भी अलग ही मज़ा होता है। बड़ा मज़ा आता है भाई वो सब तली भुनी चीज़ें खाने का, जैसे कि नमक पारे और शक्कर पारे, मठरियाँ। हाँ, मछलियों से मुझे याद है, चावल के आटे की मछली खाई है आपने? चलिए आज मैदे को मारते हैं गोली और बनाते हैं चावल के आटे की मछलियाँ। तो चावल की मछली बनाने के लिए मैं लूंगी 1 कप चावल का आटा। दिस इज एग्जैक्टली 1 कप ऑफ राइस फ्लावर। और इसमें ऐड करूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी। नाउ हल्दी इज एंटायरली ऑप्शनल, मुझे हल्दी का रंग थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूं। बारीक कटी हुई हरी धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, ये सरसों के दाने, एक टेबलस्पून बटर, ये करी लीव्स है मेरे पास, तो इन करी लीव्स को मैं पहले तल के निकाल लेती हूं। तो बस इसी तरह से डंडी से पकड़िए एंड पुट दिस इन हॉट ऑयल। तो ये कुछ करी लीव्स को मैंने फ्राई कर लिया है, ऐसा करने से क्या होगा, ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगी एंड इजीली मेरे हाथ से क्रम्बल भी हो जाएंगी। तो इन्हें क्रम्बल करके इसके अंदर मिला देते हैं। और अब इसमें पोर करूंगी मैं बॉइलिंग हॉट वाटर, थोड़ा पानी डालेंगे। और इसका एक डो बना लेंगे। तो एक स्पून के हेल्प से ये डो बनाइएगा, हाथ मत डाल दीजिएगा क्योंकि आपने बॉइलिंग वाटर ऐड किया है इसमें। और अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि ये चावल का आटा पानी को अब्सॉर्ब कर ले और थोड़ा सा फूल जाए। आप देखेंगे कि चावल ने पूरा पानी सोख लिया है और काफी ये स्टिफ हो गया है। तो इसे थोड़ा सा अब हम नीट कर लेंगे, इट इज स्टिल वॉर्म। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा रनी हो रहा है या हो सकता है मैं इसे बेल नहीं पाऊंगी या नहीं पाऊंगा फॉर दैट मैटर, आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं, वो एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करेगा और हेल्प करेगा इसे बेलने में। तो फॉर 5 to 6 मिनट्स हम इसे नीट कर लेंगे, जितना हम इसे नीट कर लेंगे ये उतना बढ़िया हो जाएगा। और अब आई प्रेफर वर्किंग विद अ बटर पेपर, क्योंकि इसमें काम करने से क्या होता है, मछली बहुत आसानी से बेल भी जाती है और उठ भी जाती है। सो आई एम गोइंग टू ग्रीज माई बटर पेपर फर्स्ट। और अब इस पे इस डो की छोटी छोटी बॉल्स रखते हैं, इसे कवर करेंगे। और अब आप चाहें तो बेलन के हेल्प से या फिर किसी कटोरी के हेल्प से इसे फ्लैटन आउट कर लीजिए। इसे पतला ऐसे रोल आउट कर लेंगे और अब आप चाहें तो जस्ट लाइक दिस, या चाहें तो एक कुकी काटर की हेल्प से इसे कट कर लीजिए। एक्सेस को पहले रिमूव कर दीजिए। और अब मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें हम तल के निकाल लेते हैं। So
सो वंस दीज टर्न अ नाइस गोल्डन कलर, इन्हें निकाल लेते हैं और अब अपना अगला बैच फ्राई करने के लिए ऐड कर देते हैं। और इसे भी ऐसे ही लाइट गोल्ड कलर का फ्राई करके निकालेंगे। जब ये बाहर आएगा अपनी हीट में थोड़ा और कुक होता रहेगा, तो इसे पैन के अंदर ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड हियर माय सेकंड बैच आल्सो कम्स आउट। तो लीजिए भाई, हो गई तैयार कुरकुरी कुरकुरी सी चावल के आटे की मठरियाँ, या पापड़ी भी आप इसे कह सकते हैं। सो दोज ऑफ यू हु आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, अगर आपके ऐसे कोई मित्र हैं जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उनके लिए तो सोचिए कितना अच्छा गिफ्ट हो सकता है ना। तो बस बनाइएगा इसे, ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कैसी लगी आपको।